दोस्तों, अगर आपके YouTube चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर YouTube कॉम्पिटिशन स्ट्राइक आ गया है और वो 90 डेज पूरे होने के बाद भी रिमूव नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप वैसे स्ट्राइक को अपने चैनल से कैसे रिमूव करेंगे चुटकी बजाकर अपने मोबाइल फोन से। अभी के टाइम पे मैक्सिमम लोग मोबाइल फोन से ही अपने यूट्यूब को मैनेज कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये स्टेप जो है वो मोबाइल से बताऊंगा। हालांकि आप लैपटॉप और कंप्यूटर से भी ये स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल सेम होने वाला है। दोस्तों, अगर आपके भी चैनल पर चाहे कॉम्पिटिशन स्ट्राइक आया हुआ है या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है और वो अगर 90 डेज से ज्यादा हो गया है, 90 दिन से अधिक अगर हो गया है, फिर भी YouTube इसे रिमूव नहीं किया है, तो आप कैसे रिमूव करेंगे वो मैं आज आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है। अगर आप भी ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपका इससे क्या नुकसान है, सबसे पहले वो समझिए। दोस्तों, अभी के टाइम पे अगर आपके चैनल पर कोई भी स्ट्राइक एक्टिव है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता है। इसलिए आप अपने चैनल को मोनेटाइज कराने से पहले उस स्ट्राइक को हटाना बहुत जरूरी है। और अगर आपके भी चैनल पर क्राइटेरिया जो है मोनेटाइजेशन का वो पूरा हो गया है, सब्सक्राइबर पूरा हो गया, वॉच टाइम पूरा हो गया है, लेकिन स्ट्राइक की वजह से आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करा पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाला है। आज मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि आप ऐसे स्ट्राइक जो 90 डेज से अधिक हो गया है उसे कैसे रिमूव करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे वीडियोस को आप वॉच कर सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करना है और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए तीन बिंदी दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप साइट दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो आपका लैपटॉप और कंप्यूटर का जैसा होने वाला है। इसलिए यहाँ से आपका लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल सभी का प्रोसेस एक जैसा होने वाला है। इस स्टेप को आप कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको जितने स्ट्राइक है अगर आप चैनल पर आए हुए हैं, चाहे एक हो या फिर दो हो, वो आपका रिमूव कैसे होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको सर्च करना है studio.youtube.com। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपके चैनल का डैशबोर्ड यहां पर ओपन हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखा देगा। अब यहां पर मैं जूम करके दिखाता हूं, ये जो चैनल है जिसका मैंने ओपन किया हुआ है, यहां पर देखिए दिखाई आपको दे रहा होगा एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक। यहां पर देखिए 1 of 3 यहां पर दिखाई दे रहा है, मतलब कि एक है। अगर तीन आपका एक बार में आ जाता है, तीन स्ट्राइक एक टाइम में एक्टिव रहता है, तो यूट्यूब आपके चैनल को डिलीट कर देता है। इसलिए यहाँ पे आपको स्ट्राइक से हमेशा बचना है, स्ट्राइक ना आए ऐसा आपको यूट्यूब पर काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आखिर आप ऐसे स्ट्राइक कैसे रिमूव करेंगे अगर आपके भी चैनल पर कोई स्ट्राइक आया हुआ है, चाहे वो यूट्यूब कॉम्पिटिशन स्ट्राइक हो या फिर यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक हो। दोनों ही केस में आप अपने चैनल से खुद से अपने मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप पीसी से ऐसे स्ट्राइक को रिमूव कर सकते हैं। बस कंडीशन है कि उस स्ट्राइक को आए हुए 90 दिन से ज्यादा हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्ट्राइक जब आपके चैनल पर आता है तो वो आपके चैनल पर 90 दिन तक रहता ही है, इसके बाद रिमूव होता है। अगर आपका रिमूव नहीं हुआ है स्ट्राइक तो आप खुद से कर सकते हैं, बस इस स्टेप को आपको फॉलो करना है। वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखें, कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपका स्ट्राइक रिमूव नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक, यहाँ पर 1 of 3 रेड में लिखा हुआ है, आपको बस इसी 1 of 3 में क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे एक छोटा सा विंडो ओपन होगा, इसको मैं जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो स्ट्राइक है वो आया कब है। यहाँ पे आप देखिए 16 फरवरी 2023 को इस चैनल पे आया हुआ है। ये भाई साहब जो है इसके चैनल पर 16 फरवरी 2023 से स्ट्राइक आया हुआ है, ये हट ही नहीं रहे, काफी परेशान हो गए हैं, तो फिर मुझे कहा इन्होंने इंस्टाग्राम पर, इसके बाद में इनके चैनल का एक्सेस ले करके यहाँ पर आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ। ठीक है, लगभग 11 महीना हो गया है अभी तक स्ट्राइक नहीं हटा है, जबकि पहले के टाइम पे यूट्यूब 90 दिन में खुद ब खुद किसी भी स्ट्राइक को रिमूव कर देता था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसको हटाएंगे कैसे, तो काफी लोग गलती करेंगे। यहाँ पे मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखा दे रहा है सेलेक्ट एक्शन का, काफी लोग इस पर क्लिक करेंगे जबकि यहाँ से आपका स्ट्राइक रिमूव नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आपको एक लाइन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ब्लू लाइन लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है अटेंड कॉपीराइट स्कूल फॉर योर स्ट्राइक टू एक्सपायर। यहाँ पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक को एक्सपायर करने के लिए कॉपीराइट स्कूल को अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब कॉपीराइट स्कूल मिलेगा कहाँ पे, तो यहाँ मैं आपको दाहिना स्वाइप करता हूँ, यही पर थोड़ा सा ऐसे घसकाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉपीराइट स्कूल, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ स्टेप्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बाद आपका जो स्ट्राइक है चाहे वो कॉम्पिटिशन स्ट्राइक हो या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक हो, दोनों ही केस में हट जाएगा। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ,
कॉपीराइट स्कूल पे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने एक वीडियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आप देख करके जान सकते हैं कि यूट्यूब कॉपीराइट स्कूल क्या है, इससे किससे काम करता है, आपको कॉपीराइट से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर देखिए, आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना पड़ेगा, इसके बाद सबमिट करेंगे तब आपके चैनल से स्ट्राइक हट जाएगा। अब यहाँ से वीडियो को देख करके स्किप मत करना, ये जो क्वेश्चन है काफी टफ होते हैं, अगर आपने गलत आंसर कर दिया तो फिर आपका स्ट्राइक नहीं हटेगा। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन टू पूछ रहा है इसका आंसर मुझे आपको नहीं पता है, इसलिए हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, हम लोगों को क्या करना है, गूगल का हेल्प लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूंगा, गूगल का हेल्प करूंगा, या फिर मैं यहाँ से जो अगला स्टेप जो है वो यहाँ पर न्यू टैब करके यहाँ पे गूगल ओपन करूंगा और यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको सर्च करना है YouTube कॉपीराइट स्कूल क्वेश्चन एंड आंसर 2024 और इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ये ओपन करना है, ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए ये जो इसको आएगा अगर ऐड, इसको कट कर देना है और ऐड आने के बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर आपको दिखाई दे रहा है, टिक जो किया हुआ है ये क्वेश्चन है और आंसर यहाँ पर देखिए ट्रू या फॉल्स में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ इसके बाद या फिर आपको जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे आपको सारा दिखा देगा, काफी सारे क्वेश्चन काफी सारे आंसर मिल जाते हैं। और दोस्तों एक चीज और, यहाँ पे हर एक चैनल के लिए यूट्यूब अलग अलग स्ट्राइक का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछता है, ऐसा नहीं कि कॉमन क्वेश्चन है, हर केस में हर आदमी के चैनल का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, तो आपको यहीं से सर्च करना है आपका क्वेश्चन, उसे पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद आंसर देख लीजिएगा क्या होगा, इसको आपको सबमिट करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है मोबाइल में वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप न्यू टैब ओपन करेंगे ना, जो विंडो मैंने अभी खोला हुआ था वो क्लोज हो जाता है। यहाँ पर देखिए वापस डैशबोर्ड ओपन हो रहा है और जो विंडो छोटा वाला खुला हुआ था कॉपीराइट स्कूल के लिए वो हट चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर कोई और डिवाइस का आपको मदद लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ फिर से क्लिक करूंगा वन ऑफ थ्री में और यहाँ पे वापस आ जाऊंगा कॉपीराइट स्कूल में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, अब यहाँ पे आपको मैं सर्च करूंगा, या तो अगर आपके पास एक और मोबाइल फोन है तो ये जो आपको पता है गूगल से सर्च करने के लिए क्वेश्चन आंसर, वो आप किसी और डिवाइस में ओपन करना। मेरे केस में मैं यहाँ पर लैपटॉप बंद करूंगा, यहाँ पर मैंने लैपटॉप में ओपन किया हुआ है, क्योंकि ये बार बार हट जाएगा तो क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, ऐसा मैं सोचना कि फिर से खोलूंगा तो वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है, हर बार क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका आंसर जो है वो ट्रू और फॉल्स में मुझे बताना है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, लैपटॉप में कॉपीराइट स्कूल का क्वेश्चन आंसर है वो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं सबको पढ़ लूंगा और इसके बाद यहाँ मुझे आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रहे क्वेश्चन आपका जो है वो सही सही आंसर होना चाहिए, तभी आपका स्ट्राइक हटेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको देखना है, इसके बाद आंसर करना है, तो एक एक करके आप सभी क्वेश्चन का आंसर करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एज लॉन्ग एज आई हैव परचेज अ कंटेंट इन क्वेश्चन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू इन्फ्रिंज कॉपीराइट बाय अपलोडिंग इट टू यूट्यूब। ठीक है, इसको मुझे यहाँ पर सर्च करना है, लैपटॉप में सर्च करूंगा, इसके बाद इसका आंसर ट्रू होगा ट्रू में, फॉल्स होगा तो फॉल्स में, ऐसा ही आपको चारों क्वेश्चन पे आंसर करना है, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सभी का आंसर कर दिया है और ऐसे ही आपको भी क्वेश्चन का आंसर को ढूंढना है दूसरे डिवाइस में, क्योंकि सेम डिवाइस में आप करो तो ये विंडो हट जाएगा और क्वेश्चन बार बार चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको दूसरे डिवाइस में क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है और यहाँ पे सभी का आंसर करना है और सभी का आंसर करने के बाद आपको उसको जूम आउट करना है और यहाँ पे देखिए चेक आंसर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इस पर आप क्लिक करोगे इसके बाद अगला स्टेप यहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट का करेक्ट हो गया, सेकंड का इनकरेक्ट हुआ, थर्ड का करेक्ट हो गया और यहाँ पे फोर्थ का भी करेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप डन पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लिखा आ रहा है देर आर नो कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन योर चैनल, मतलब कि मेरे चैनल पर अब कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। अगर यहाँ पे मुझे चेक करना है कि हटा या फिर नहीं हटा, तो सिंपल सा अपने पेज को रिफ्रेश करना है या फिर से मैं सर्च कर दूंगा studio.youtube.com, अब देखता हूँ कि वन ऑफ थ्री था वो हट गया है या फिर नहीं हटा है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वन ऑफ थ्री आ रहा था अब इस पोस्टर में मुझे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, मतलब कि स्ट्राइक जो है वो बिल्कुल हट चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है। और इस प्रोसेस को फॉलो करके आप भी अपने चुके वैसे स्ट्राइक जिसका 90 दिन से ज्यादा टाइम हो चुका है, जिसका 90 दिन से अधिक समय हो चुका है, वैसे स्ट्राइक को आप रिमूव कर सकते हैं, चाहे यूट्यूब का कॉम्पिटिकल स्ट्राइक हो या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक हो, उसको आप अपने से ही अपने मोबाइल फोन से रिमूव
कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है मुझसे, आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां भी आप मुझे मैसेज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हुए मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिले, सबसे पहले हमारे वीडियोज को आप वॉच कर सके हैं। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।